क्रूस के संदेश एक मेल मिलाप का संदेश है। वहां पर वो त्यागा गया हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए बेदा गया, मेरे ही खातिर, आपके खातिर, हमको पिता से जोड़ने के लिए उसको ऐसा वेदना को सहन करना पड़ा है। तो देखिए, क्रूस के संदेश में ये मेन चीज़ है, पिता से आपको संबंध जोड़ना है, तभी सारे पहाड़ी उपदेश आप पालन कर पाएंगे। सारी सुलेमान की नीति वचन में सारे चीज़ें हैं, मॉरल टीचिंग्स हैं, आपका जीवन में काम पे आएगा। नहीं तो केवल आप सुनते रहेंगे, बढ़िया टीचिंग बोलेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, मनन भी करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे, लेकिन सचमुच में उससे आपका जीवन में बदलावट नहीं आएगा। आज मेरे भाई बहन, अच्छी तरह चीज़ को समझ लीजिए, कन्फ्यूज मत होना। कन्फ्यूज करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सच्चाई बातों को बताना ज़रूरी है। लोग सोचते हैं अच्छे बात सिखाते हैं, बढ़िया बात है, लेकिन सबसे पहला बात है यीशु मसीह का क्रूस के बलिदान है। उसके बगैर जितना भी टीचिंग दिया जाएंगे लोगों के जीवन में काम पे नहीं आएगा। देखिए, वो चोर के विषय में देखिए, उसका क्या टीचिंग मालूम था, क्या सिद्धांत उसको मालूम था? कुछ नहीं मालूम। वो चोर था, डाकू था, इतने बड़े गुनहगार होगा, क्योंकि छोटा मोटा डाकू नहीं होगा, क्योंकि उसको क्रूस पर मृत्यु का सजा दे रहे, तो बड़ा गुनहगार होगा। लेकिन यीशु मसीह का प्रेम है, पिता से उसको जोड़ दिया, पिता के साथ मेल मिलाप हो गया। उस दिन उस स्वर्ग राज्य में, परदेश में चला गया यीशु मसीह के साथ। तो यही बात है, पिता से संबंध कराना ही हमारा सारे उपदेश का मेन बात है। हम लोगों के अच्छे बात ज़रूर सिखाते हैं, आगे भी मैं भी बताऊंगा कुछ बातें, वचनों को कैसे नया नियम में हमको सिखा रहे हैं, परिवार में, कलिसिया में, समाज में कैसे रिश्ता में रखना चाहिए, सब बात हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए काम पे लगाने का योग्य है। लेकिन सबसे पहले आपका संबंध पिता के साथ आज हो जाए, और यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके उसके साथ एक अच्छे संबंध में आ जाइए।